अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे पास ये एक सैंपल पड़ा हुआ टेस्टिकुलर ट्यूमर टेस्टिस का, और इसके साथ जो छोटी छोटी से आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोस्टेट चिप्स है। ये देखें, ये छोटे छोटे से जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोस्टेट चिप्स हैं, और ये जो है ये टेस्टिकुलर ट्यूमर है, यानी कि इंसान का जो टेस्टिस होते हैं ना, उनके ऊपर एक अबनॉर्मल सी ग्रोथ हो जाती है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है, जिसे के बेनाइन कहते हैं, और अगर कैंसरस हो तो उसे मलिग्नेंट कहते हैं। इसके समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये जिसमें ऐड किया हुआ ये 10% फार्मलिन है, ये इसमें काफ़ी ये एक प्रिजर्वर होता है जिसमें काफ़ी देर तक प्रिजर्व रह सकता है सैंपल। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस के नीचे, और ये जो है ये ट्यूमर बना हुआ है। ये आपको मैंने वही दिखाया है सैंपल में, और ये आपको समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ। ये ट्यूमर है, ट्यूमर एक अब नॉर्मल ग्रोथ होती है जो बॉडी टिश्यू में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा आज का छोटा सा कोशिश थी, शुक्रिया। ये आपको जो छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ये प्रोस्टेट चिप्स हैं, ठीक है, ये भी हाइपरप्लेजिया बीपीएच, यानी कि प्रोस्टेट चिप्स जो है वो भी हाइपरप्लेजिया यानी कि इनलार्जमेंट हुई है, बड़ा हुआ है, और ये इसका निकाला हुआ है टेस्टिकुलर ट्यूमर के साथ प्रोस्टेट चिप्स भी है। ये टेस्टिकुलर ट्यूमर है, और ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोस्टेट चिप्स हैं। शुक्रिया।